हेलो एवरीवन, मैं वर्षा ब्यूटी स्पा इंडियन चैनल से, और आज हम बात करेंगे विंटर्स में अपने स्किन को कैसे ध्यान देना है। विंटर में अपने स्किन बहुत ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, और इसके लिए अपने चेहरे बहुत रूखे सूखे लगते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ नेचुरल रेमेडीज़ बताऊंगी जिसे आप फॉलो करके देखिए, आपके फेस बहुत अच्छा ग्लो सॉफ्ट रहेंगे। तो ये चलिए अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है हमारा क्लिंजिंग करना है अपने फेस को, और इसके लिए मैं यहाँ पे कोकोनट यूज़ करूँगी। पैराशूट के लिए बहुत अच्छा है, अपने फेस को क्लिंज करेगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे करना है। को 2-3 ड्रॉप्स लेना है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अपने फेस पे इससे अच्छी तरह से मसाज कीजिए। कोकोनट ऑयल आपके पूरे चेहरे के डर्ट्स को निकाल देगा, और आपके फेस पे कोई मेकअप्स होंगे उसे भी रिमूव कर देंगे और बहुत सॉफ्ट रहेंगे। आप इसे लगा के 2 मिनट तक मसाज कीजिए। अपने लिप्स पे भी लगाइए, ये एक अपने लिप्स के लिए लिप बाम का काम करता है कोकोनट ऑयल। तो अपने नेक पे भी लगाइए। तो अभी मैं आपको फेस वॉश करके मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे स्क्रबिंग, और आपको सिर्फ फेस पानी से ही वॉश करना है, फेस वॉश नहीं यूज़ करना, सिर्फ ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करना है। अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे स्क्रबिंग, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी मैं स्क्रबिंग किससे कर रही हूँ। मैं स्क्रबिंग करूँगी मलाई से, दूध के, हाँ फ्रेश दूध के मलाई, जैसे मलाई जो अपने फेस के लिए बहुत सॉफ्ट मॉइस्चर करता है, और अपने फेस के डेड स्किन रिमूव हो जाएगा स्क्रबिंग से। तो चलिए हम देखते हैं क्या करना है। पहले हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून मलाई, हम देख सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा चीनी ऐड करना है। चीनी आपके फेस को एक्सफोलिएट करता है, और आप थोड़ी दरदरी पीसी हुई चीनी लीजिए, एकदम खड़े मत लीजिए। सकते हैं मैंने यहाँ पे मलाई और चीनी मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। इससे आपके फेस बहुत सॉफ्ट ग्लो भी करेंगे, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से मसाज करें। आप इससे पहले स्टीम भी ले सकते हैं, आपके स्टीम लेने से आपके डेड स्किन रिमूव हो जाएंगे, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूव हो जाएंगे। ऐसा इसे अच्छी तरह से स्क्रब कीजिए, देख सकते हैं। आप इसे 5 मिनट्स तक मसाज कीजिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। नेक पे भी कीजिए, नेक भी पूरा कवर होना चाहिए। और इसे मसाज करने के बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। मिल्क में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर मलाई का बहुत अच्छा सॉफ्ट है, फेस ग्लो करता है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आप यूज़ करके देखिए गाइस। अब मैं आपको फेस वॉश करके मिलती हूँ, 5 मिनट्स हो चुका है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। हमारा सेकंड स्टेप भी हो चुका है, हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे। उसके लिए हमें करना है फेस पैक लगाना, थर्ड स्टेप है हमारा फेस पैक। तो हमें चाहिए अभी एलोवेरा जेल, हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल।
ओके अब हमने ले लिया, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून हनी भी ले लिया है। और अभी हमें चाहिए पिंच ऑफ हल्दी, एकदम पिंच ऑफ टर्मरिक चाहिए। एलोवेरा जेल हमारे फेस को आपको पता है बहुत अच्छा काम करता है, फेस और बाल के लिए बहुत अच्छा है। और हनी आपको एक मॉइस्चराइजर का काम करता है, आपके डार्क स्पॉट्स रिमूव कर देता है, एक्ने के प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाते हैं। और हल्दी हमारे फेस को ग्लो करता है, ब्राइट करता है। तो अब हम लेंगे पिंच ऑफ हल्दी, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ हल्दी भी ले लिया है। अब हमें इस तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, एक पेस्ट टाइप में करना है हमें, बताती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आप ये स्टेप्स को वीक में 2-3 टाइम्स फॉलो कर सकते हैं, बहुत नेचुरल है, आपके फेस बहुत अच्छे रहेंगे, ड्राई नहीं रहेंगे, रूखे नहीं। अभी आप देख सकते हैं पैक रेडी हो चुका है, अभी हमें अप्लाई करना है। इससे आपके एक्ने भी रिमूव हो जाएंगे गाइस, अपने नेक पे भी कवर कर लीजिए। आप इसे 2 मिनट के लिए बस मसाज कर लीजिए ऐसे। सिर्फ 2 मिनट के लिए लाइटली अपने हाथों से, एकदम हार्ड नहीं यूज़ करना है। आप देख सकते हैं ऐसे करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके फेस बहुत अच्छा ग्लो करेंगे, ड्राई नहीं रहेंगे। विंटर्स के लिए ये बहुत बेस्ट रूटीन है। तो 2 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे ड्राई होने देती हूँ और उसके बाद मीन्स 5-10 मिनट के लिए रुक जाती हूँ, उसके बाद फेस वॉश कर लूँगी। तो मैं आपको वॉश करके मिलती हूँ। आप देख सकते हैं मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ गाइस, मेरा फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है, आप भी यूज़ करके देखिए। अब लास्ट स्टेप हम करेंगे अपने फेस को मॉइस्चराइज़र, और यहाँ पे मैं जॉनसन्स बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये विंटर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। अगर आप अदरवाइज़ आप विटामिन ई कैप्सूल्स लीजिए और उसे कट करके अपने फेस पे पूरा अप्लाई कीजिए। विटामिन ई कैप्सूल्स भी आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी यहाँ पे हम बेबी क्रीम अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने ले लिया बेबी क्रीम, बहुत ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से हो गया है। और गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन बटन है, उसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे क्या हो गया, आपको वीडियोस मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे।